10,000 की साड़ी सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये में। जानने के लिए देखिए मेरी पूरी वीडियो, और अगर पसंद आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या वीडियो मिस ना कर सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी कुछ सारी कलेक्शन जो मैंने अभी अभी बाय किया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाय किया है। और अगर आप भी खरीदना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, मैंने उसमें सेलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिए हुए हैं। और अगर आप मुंबई में हैं तो आप इजीली ये सारी साड़ियां बाय कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में। तो ये जो साड़ीज थी दोस्तों, ये है कैटलॉग पीस, डिजाइनर साड़ीज है जो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिली। तो सबसे पहली मेरी साड़ी है ये, मीन्स ये साड़ी जो है ये कैटलॉग पीस थी। ये साड़ी जो मैंने बाय की है ये मुझे 1,000 रुपीज में पड़ी है। और इसका वर्क, इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं, बहुत ही मीन्स एकदम हैंड वर्क किया हुआ है। इसमें एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, इसका जो लेस वर्क है, बॉर्डर है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये साड़ी को कुछ हिंदी में बोलते हैं धूप छाव साड़ी। और अगर ये साड़ी आप शॉप में खरीदने जाएंगे तो आपको नियर अबाउट 3,000 to 4,000 की मिलेगी, बट मुझे ये साड़ी सिर्फ 1,000 रुपीज की मिली है। तो ये देखिए, इसका पूरा लुक कुछ इस तरीके का है, ऐसी है ये साड़ी। और इसमें ब्लाउज जो है वो कंट्रास्ट ब्लाउज दिया हुआ है, रेड कलर का ब्लाउज दिया है इसमें। तो अगर आपके पास रेड कलर की और भी कोई साड़ी के ब्लाउज हैं तो आप इसमें मैच करके पहन सकते हैं। तो नेक्स्ट साड़ी है ये सिल्क की साड़ी है जिसमें हैवी बॉर्डर दिया हुआ है। और ये जो बॉर्डर है ये भी हैंडमेड बॉर्डर है, ये सिल्क की पूरी साड़ी है जिसके ऊपर गोल्डन से कांजीवरम टाइप वर्क किया हुआ है। और सिल्क की साड़ियां आप सभी जानते हैं काफी सस्ती भी होती है और महंगी भी होती है, डिपेंड कि वो कौन सी क्वालिटी की है। तो ये वाली जो सिल्क की साड़ी मुझे मिली है ये मुझे सिर्फ 1,000 रुपीज में पड़ी है। और सेम साड़ी मैंने शॉप में देखी थी जहां पर ये 2.5 रुपीज की थी, बट ये सेलर जिनसे मैंने लिया है इन्होंने मुझे ये 1,000 रुपीज में दिया है। इसका लुक देखिए, बहुत ही एलिगेंट लुक है। तो ये जो सिल्क की साड़ी है ये कुछ इस तरह की है, मतलब ये नीचे साइड का पोर्शन है जहां पर आप प्लेट्स वगैरह बनाएंगे वहां पर है ये। और इसका जो सिल्क है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और ये भी मुझे 1,000 रुपीज की मिली। तो ये साड़ी भी मुझे 1,000 रुपीज में पड़ी है और बाहर इसे आप लेने जाएंगे नियर अबाउट 3,000 to 4,000 की ये साड़ी है। तो कैसी लगी आपको ये साड़ी? नेक्स्ट जो साड़ी है ये काफी हैवी है, मीन्स ये जो साड़ी है कम से कम 5 किलो की तो कम से कम होगी। ये साड़ी बहुत ज्यादा हैवी है और शॉप में इसकी प्राइस कुछ 10,000 रुपीज है, मगर ये साड़ी मुझे मिली है सिर्फ 1,500 रुपए में। चलिए मैं इसका लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। पूरी साड़ी में ये बॉर्डर लगा हुआ है, ये बहुत हैवी बॉर्डर है और मिरर वर्क का बॉर्डर दिया हुआ है जो पूरे साड़ी को बहुत ही यूनिक और डिजाइनर पीस में कन्वर्ट करता है। और ये जो साड़ी है यहाँ जो बीच में आप शेड्स देख रहे हैं, इसका जो मटेरियल है ये हल्का जॉर्जेट मटेरियल है जिसके ऊपर ऐसे गोल्डन वर्क किए हुए हैं। पूरी साड़ी में ये प्रिंटेड मटेरियल है और सिर्फ बॉर्डर दिया है। और ये साड़ी का लुक मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके की है ये साड़ी। आप देखिए, ये कुछ इस तरीके की है। पूरी साड़ी में ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये आपका पल्लू साइड है और इसमें भी कंट्रास्ट ब्लाउज दिया है। एक्चुअली इसमें पेपर लगे हुए हैं सो मैं इसे निकाल नहीं सकती। तो ये देखिए, ये साड़ी कुछ इस तरह की है और ये इसका ब्लाउज दिया है कंट्रास्ट कलर में, ग्रीन कलर का ब्लाउज है और ये पूरी साड़ी है। तो ये है वो साड़ी जो 10,000 की थी बट मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए में। तो
तो अगर आपको साड़ियाँ पसंद आती है तो जरूर कांटेक्ट कीजिए ये सेलर से, आपको अफोर्डेबल प्राइस में सारी साड़ियाँ मिल जाएगी। और ये सारे कैटलॉग पीस हैं, डिजाइनर वेयर हैं, जो आपको शॉप में बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी। तो ये तीनों साड़ी मुझे मिली है 3.5 में, मतलब 3500 में मुझे ये तीनों साड़ी मिली है। नेक्स्ट साड़ी है ये, जो कि थोड़ा शिमर टाइप की है और इसमें इतना पतला बॉर्डर दिया हुआ है। ये पूरी साड़ी ग्रीन है, कोई भी कंट्रास्ट कलर नहीं है इसमें, और इसका लुक कुछ इस तरीके का है। बूटी वर्क दिया हुआ है और शिमर इफेक्ट है इसका, और ये डायमंड का पतला बॉर्डर है, डायमंड वर्क है इसमें, हैंड वर्क नहीं है। ये टिकली वर्क दिया हुआ है इसमें और हैंड से थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और इसका जो मटेरियल है वो है शिफॉन, थोड़ा शाइनी इफेक्ट। तो ये साड़ी मुझे सिर्फ और सिर्फ 700 में मिली है, तो अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मेरी जो साड़ी है वो है ये रेड कलर की। रेड कलर किसे नहीं पसंद होता, तो ये रेड कलर की जो साड़ी मुझे मिली है ये भी मुझे ये भी मुझे 700 में मिली है, और ये पूरी रेड कलर की है। इसमें ऐसा टिकली और वर्क बॉर्डर, टिकली का बॉर्डर किया हुआ है, और बॉर्डर इसका कंट्रास्ट में है, कुछ इस तरीके का बॉर्डर है, और बॉर्डर पे ये मोती के लेस लगे हुए हैं, पूरी साड़ी में ये मोती के लेस लगे हुए हैं। इसका कपड़ा जो है वो मिक्स जॉर्जेट है, और पूरी साड़ी में आपको ये बॉर्डर मिलेगा जिसका कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज नहीं है, बट इसका ब्लाउज भी रेड कलर का है, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है, मगर ये साड़ी जो है पूरी इसी बूटी से भरी हुई है, और ये मुझे मिली है 700 में, तो ये भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट साड़ी है वो ये थोड़ा कॉटन मिक्स है, मतलब ये पूरी साड़ी यहाँ से थोड़ा कॉटन मिक्स है, और इसमें पूरे साड़ी में इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है। ये बॉर्डर जो है पूरे साड़ी का लुक क्रिएट करता है, मतलब इस बॉर्डर से पूरे साड़ी में लुक है, और साड़ी पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसमें जो शाइनिंग है वो येलो शाइनिंग दी हुई है, और इसका जो ब्लाउज है कंट्रास्ट ब्लाउज, मतलब ये साड़ी ऑरेंज कलर की है मगर ये ब्लाउज बेज कलर का दिया है, कंट्रास्ट दिया है, और ब्लाउज में पूरा वर्क है। और ये साड़ी मिली है मुझे कुछ 1000 रुपीज में, मतलब 2500 में मुझे तीन साड़ियां मिली है, और 3.5 में मुझे हैवी वाली तीन साड़ियां मिली। तो ये सारे मेरे साड़ी कलेक्शंस थे जिसे मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में खरीदा है। अगर आपको भी खरीदना है इसी अफोर्डेबल प्राइस में, कांटेक्ट कीजिए सेलर से, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।